नमस्कार। आपने अपने पूरे लाइफ में कभी ना कभी टेंस तो जरूर पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल से जब आपने टेंस पढ़ा पहली बार तो 80% लोगों को, जब मैंने जितने लोगों को पढ़ाया था, मतलब मैं स्कूल में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा या पढ़ी, बट उन लोगों का अधिकतर ये कहना रहता है कि नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आया। आपको पता है टेंस फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं समझ आता है? बहुत रीजन होते हैं, ध्यान नहीं दे पाना ये, मगर एक जो होता है ना कि टेंस के टोटल तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के फिर चार चार रूप अलग से होते हैं। टोटल कितना हो गया? 12। और फिर उन टेंस के अंदर हमको छह, एक सेंटेंस का छह रूप बनता है, 12 × 72। पूरे टेंस पढ़ने के लिए 72 सेंटेंस को हमको एक सेंटेंस में कंप्लीट करना पड़ता है, समझ नहीं आता। उसके बाद फॉर्मूलास उसमें आ जाते हैं, तो सब फॉर्मूला हमको समझ नहीं आता, और फॉर्मूलास में क्या रहता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, WH और वर्ब आई, वर्ब का फॉर्म, और यही चार जो है ना राउंड करते रहता है, हमको समझ नहीं आता है। रीजन पता है क्या? रीजन बस एक ही है, हम ना इसको ठीक से नहीं समझते। हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म और WH, इसको हम लोग ना ठीक से नहीं समझते हैं, इसी के कारण हम लोगों को दिक्कत होती है। तो आइए हम लोग ना, अगर आपको टेंस सीखना है तो टेंस सीखने से पहले आज का क्लास एकदम ही मिस नहीं करना, क्योंकि आज हम बताएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और WH को कैसे छांटते हैं। तीन सेंटेंस बताएंगे और तीन सेंटेंस में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि हमको सेंटेंस को कैसे छांटना है। नंबर वन, मैं किताब पढ़ रहा हूं। नंबर टू, तुम लोग खिलौना क्यों खेल रहे हो? ये तीन सेंटेंस है, आपको दिखाई दे रहा हो बहुत अच्छे से। फर्स्ट, मैं किताब पढ़ रहा हूं। सेकेंड, तुम लोग खिलौना क्यों खेल रहे हो? और थर्ड, वह स्कूल जा चुका है। इन तीन सेंटेंस के माध्यम से ना आज हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और WH को पहचानना सीखेंगे, क्योंकि जब हम ये पहचानना सीख जाएंगे ना, तभी हमको ना, जब उसका फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला इस तरीके से रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस WH, जो भी फॉर्मूला रहता है, तो उस फॉर्मूला को हम याद तब कर पाएंगे जब हम इसको समझ पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि यहां पे हमको पता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और उसके बाद WH होता है। तो हमको ना नंबर वन में सबसे पहले खोजना है वर्ब, नंबर टू में खोजना है सब्जेक्ट, नंबर थर्ड में खोजना है हेल्पिंग वर्ब, और नंबर फोर्थ में खोजना है WH, और एक मैंने छोड़ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फोर नंबर में आपको खोजना, फाइव नंबर में खोजना है WH, ठीक है। ये सेंटेंस के हिसाब से होता है हिंदी के सेंटेंस में, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसका फॉर्मूला टेंस के हिसाब से अपने से दिया होता है। तो जैसे कि देखिए, हम क्या बोले, हिंदी के सेंटेंस में आपको क्या खोजना, सबसे पहले वर्ब, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मतलब मैं पिछली क्लास को अगर आपने मिस नहीं किया हो तो मैंने बताया था कि इस वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, इस सेंटेंस को बोलने से क्या समझ आ रहा है कि क्या काम हो रहा है? इस सेंटेंस को बोलने से समझ आ रहा है कि पढ़ने का काम हो रहा है। किस चीज का काम हो रहा है? पढ़ने का। तो ये आपका हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब, लेकिन इस किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब आप देखिए, हम हेल्पिंग वर्ब क्या बताए थे आपको, कि जिसके बिना सेंटेंस अनकंप्लीट लगता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है रहा हूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है रहा हूं। वैसे तो क्या बोलते हैं इसको, आप हूं बोल सकते हैं, हूं होता है मेन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन टेंस के हिसाब से ये पूरा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, चौथा, फर्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब इसमें WH, WH पढ़ाए थे क्यों, कैसे, कब, कहां, तो ये तो इसमें है नहीं, तो बचा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, जैसे कि हम बताए थे आप लोगों, तुम लोग खिलौना क्यों खेल रहे हो, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा खेलने का, तो ये हो गया कौन कर रहा खेलने का काम, तुम लोग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका क्या WH। आप लोग WH याद किए होंगे तो पता होगा वाई व्हाट वेयर ये सब होता है। नंबर थर्ड, इसमें क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया भर, कौन कर रहा है जाने का काम, वह, तो हो गया सब्जेक्ट। अच्छा क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है भाई, तो चुका है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो इस ये हो गया ऑब्जेक्ट स्कूल। तो हम लोग को इतना ही समझना है, ये तीन सेंटेंस है, तो आप लोगों को अगर इसको और अच्छे समझना है तो अपने से 10 सेंटेंस ले सकते हैं, और उसमें आपको जो काम हो रहा है वो वर्ब, जो काम को करता है वो सब्जेक्ट, और लास्ट का जो होता है वर्ड हिंदी में वो हेल्पिंग वर्ब, और जो वस्तु है वो ऑब्जेक्ट, अगर बीच में क्यों कैसे कहां आ गया तो वो WH हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही समझना है। सो आई होप आप लोग ये क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करके सीख रहे होंगे, और इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूले ताकि हर लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को बहुत इजीली से सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।